हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में पूछा गया है सवाल कि सर जो चीज़ आप बता रहे हैं उसको सी टर्बो सीआईडी पे बता दीजिए। यानी कि एक सवाल था, वो सवाल ये था जिसके जवाब में मैंने वीडियो बनाया था, वो सवाल ये था कि सर फ्लोट क्या होता है और इंट क्या होता है, उसको पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो उसी चीज को मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं और साथ ही साथ आपको हेडर फाइल की भी जानकारी देता हूं कि हेडर फाइल क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर हेडर फाइल जो सी लैंग्वेज में होती है वो होती है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हेडर फाइल है सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये लिख दिया हमने। और एक और हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये लिखा हैश इंक्लूड, फिर लिखा conio.h, ये ट्रेडिशनल आईडी है, ज्यादातर हमारे इंडिया में यही यूज होता है। ठीक है, फिर यहां पे हम लिखते हैं void main, तो ये लिखा void, फिर लिखा main। अब ये लिखने के बाद इस तरीके से हम कर देते हैं, फिर यहां पे एंटर करके नीचे आते हैं। अब मान लीजिए कि इंटीजर टाइप का हम डेटा टाइप ले रहे हैं, तो ये लिखा हमने इंट, क्योंकि इंट ही लिखना होता है। अब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी तो इंटीजर के लिए एक कीवर्ड डिजाइन कर दिया गया इंट, आपको पूरा इंटीजर नहीं लिखना होता है, केवल इंट ही लिखना होता है। ठीक है ना, तो ये इंट हो गया। और एक डेटा टाइप की बात करेंगे हम इंट की, ठीक है, फिर हम फ्लोट की बात करेंगे, लेकिन पहले इंट की। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, तीन वेरिएबल ए बी सी ले लेता हूं। ओके, अब यहां पर टर्मिनेट किया, एंटर करके नीचे आए। ठीक है, अब यहां पर क्लियर स्क्रीन की भी बात होती है कई बार, तो यहां पर क्लियर स्क्रीन भी लगा सकते हैं, सीएलआर एससीआर बोलते हैं इसको, तो ये क्लियर स्क्रीन लगा दिया हमने। क्लियर स्क्रीन लगा दिया, क्लियर स्क्रीन इसलिए कि पुराना आउटपुट क्लियर हो जाए, इसके लिए क्लियर स्क्रीन लगाया जाता है। ठीक है, अब ये जो मैं ट्रेडिशनल जो मैं अभी यूज कर रहा था आईडी जो कि कोड ब्लॉक्स थी, वहां पर हमें सीएलआर एससीआर लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, तो यहां पर प्रिंटएफ लिखेंगे, क्योंकि यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ना चाहिए वो यहां पे आता है। तो यहां पे मैं दे देता हूं एंटर अ नंबर। ठीक है, तो एक नंबर यहां पे एंटर होगा। ठीक है, ये हो गया एंटर अ नंबर। ठीक है, तो यहां पर एक नंबर एंटर होगा, समझ में आ रही है बात, तो एक नंबर एंटर होगा तो उसको डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करना होगा तो यहां पे हम एक नहीं बल्कि यहां पे लिखेंगे एंटर टू नंबर्स, टू नंबर्स, यानी कि पहला वो नंबर जिसमें डिवाइड करेंगे और दूसरा वो नंबर जिससे डिवाइड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो यहां पे लिख दिया एंटर टू नंबर्स। अब ये टू नंबर्स लिखने के बाद क्या करता हूं, इसको क्लोज करता हूं, यहां से टर्मिनेट कर देता हूं। फिर यहां पर आते हैं, क्योंकि ये नंबर यूजर एंटर करेगा इसलिए लिख देते हैं स्कैन अप, और यहां पे दे देते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी। तो मैं दो बार परसेंट डी दे रहा हूं, क्योंकि हम एक नंबर एंटर करेंगे जिसमें कि हमें डिवाइड करना है और दूसरा नंबर वो जिससे कि डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पर एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी लगा देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं, यहां से टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट करने के बाद क्या करेंगे, यहां पे प्रिंट करवाएंगे, तो ये लिखेंगे प्रिंट एफ, कुछ इस तरीके से देंगे प्रिंट एफ, और यहां पे डबल ट्रेड कोट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, और यहां पे देंगे परसेंट डी इज द डिवीजन, ये लिख दिया हमने परसेंट डी इज द डिवीजन। अब ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है परसेंट डी इज डिवीजन, यानी कि हम डिवाइड कराएंगे, लेकिन हमने डेटा टाइप क्या लिया है, इंट लिया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सब जाकर के किस में स्टोर होगा, सी में स्टोर होगा, ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है कि सी भी इंटीजर टाइप का ही होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करता हूं, गेट सीएस लिखता हूं ताकि हमारी स्क्रीन पॉज हो सके, इसीलिए गेट सीएस लिखा जाता है। ठीक है ना, हमने डिफाइन नहीं किया, डिफाइन नहीं करने से दिक्कत होगी, तो यहां पर हम पहले सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी कर देते हैं, यानी डिफाइन भी कर दिया हमने। अब सारी चीजें क्लियर है, अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं, तो यहां से दोबारा से इसको सेव कर देता हूं, मैंने डिप डॉट सी के नाम से पहले से सेव कर रखा है। अब इसको कराएंगे कंपाइल, तो ये करा दिया कंपाइल, तो कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको रन करवा लेते हैं, तो रन करवा लिया। अब यहां पे कह रहा है एंटर टू नंबर, पहला वो नंबर जिसमें डिवाइड करना है और दूसरा वो नंबर जिससे डिवाइड करना है, तो यहां पे फोर इज द डिवीजन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो डिवाइड वाला सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापिस से, और वापिस एक बार और इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, चला लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से मैं कंट्रोल F9 प्रेस कर देता हूं ताकि ये रन हो जाए, कंट्रोल F9 शॉर्टकट की होती है जिससे रन हो जाएगा। ठीक है, इस बार मैं 7 एंटर करता हूं और इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, तो भैया क्या 2 से डिवाइड करेंगे 7 को तो डिवीजन 3 आएगा, बताइए मुझे, नहीं आएगा ना, तो यहां पर प्रॉब्लम है।
अगर इंटीजर आप लेते हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने जो एंटर करा वो इंटीजर को ही डिवाइड करेगा और रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा, ठीक है। पाइथन में कहानी अलग है। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट हमारा फ्लोट भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। हाँ, ये है कि आप वैल्यू इंटीजर ही एंटर कर पाएंगे अगर पाइथन की बात करें तो, ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज में एक समस्या ये है कि अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप लिया तो आप केवल इंटीजर में ही एंटर कर पाएंगे और इंटीजर ही रिजल्ट भी देख पाएंगे। एक बार फिर से इसको रन कराता हूं, दिखाता हूं आपको कि आप क्यों इंटीजर ही एंटर कर पाएंगे। तो यहां से देखिए, अगर मैं यहां पे 4.5 एंटर करने की कोशिश करता हूं तो यहां पे ऑलरेडी देखिए कुछ आ ही नहीं रहा, आउटपुट ही गलत आ जा रहा है, दूसरा नंबर एंटर करने का हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए यहां पर कुछ चेंजेस हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैं क्या करता हूं, फ्लोट डाल देता हूं, फ्लोट, ठीक है। ये डेटा टाइप है फ्लोट, ठीक है। तो ये फ्लोट लिखने से क्या होगा कि हम डेसिमल में भी वैल्यूज एंटर कर पाएंगे। अभी इतना लिखना पर्याप्त है? नहीं, इतना लिखना पर्याप्त नहीं है। अभी हमें कुछ और भी काम करना है। इसमें क्या काम करना है? फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना है। इंटीजर लिखते हैं तो इंटीजर के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी लगाना होता है, ठीक है। अब ये दो बार परसेंट डी इसलिए लगाया क्योंकि एक ए है एक बी है, ठीक है। तो इसलिए दो बार परसेंट डी लगा दिया था हमने। तो यहां पर इसको हटा करके परसेंट एफ कर देंगे। क्या करना है? परसेंट एफ, क्योंकि फ्लोट है ना, तो फ्लोट का, फ्लोट यानी दशमलव वाली वैल्यूज हम एंटर करना चाहते हैं, तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है परसेंट एफ होता है, ठीक है। अब इसको एफ टू करके मैं सेव कर लेता हूं एक बार। हमने यहां पे परसेंट एफ तो कर दिया, लेकिन यहां पर भी तो परसेंट एफ करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहां पर भी अब हम परसेंट एफ कर देंगे। ये कर दिया, अब सब कुछ हो गया है। यहां से जाकर के इसको सेव करते हैं, सेव कर दिया। चलिए एक बार कंपाइल करवा लें, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं तो इसको कंपाइल करवाना जरूरी। फिर यहां से रन करवा लीजिए। रन करवा लिया, वही चीज आ रही है, एंटर टू नंबर। इस बार हम 7 एंटर करते हैं और इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 3.5 आ गया, क्लियर है ना। अगर हम दशमलव वाली वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं तो हमें फ्लोट लिखना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये था कि सर ये हेडर फाइल हटा दिया जाए तब क्या होगा, ये तो लिखना बहुत जरूरी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही कंफ्यूजन बनी रहती है। तो इसको अगर चलिए हटा देते हैं यहां से, सारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये हमने हटा दिया, हटा दिया ना। अब चलिए इसको सेव कर देते हैं। तो यहां से इसको सेव कर दिया, लाइक ये सेव एज हो गया, यहां से जाके सेव करते हैं इसको। सेव कर दिया, अब यहां से कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल करवाया, सक्सेस हो गया कंपाइल, यानी कि लग रहा है कि प्रोग्राम सही है। हेडर फाइल ना लिखे तो भी काम चल जाएगा। यहां पर मैं 8 एंटर करता हूं, यहां पर 2, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर डिवीजन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि हेडर फाइल हमने हटा दिया तो भी तो ये प्रोग्राम चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताइएगा मुझे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अच्छा चलिए, ये वॉइड हटा दे तब क्या होगा भाई, वॉइड तो लिखना जरूरी है, वॉइड हटा देंगे तब तो काम चलेगा नहीं हमारा। यहां से वॉइड को भी मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये लीजिए वायर्ड हटा दिया, खाली मेन रख देते हैं, खाली मेन, ठीक है। तो ये वायर्ड हटा दिया हमने और F2 करके इसको सेव कर लेते हैं। और अब यहां से कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं। अब देखिए दो नंबर 5 और 2, रिजल्ट क्लियर है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वायर्ड भी हटा देते हैं तो भी प्रोग्राम आपका चलेगा। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। अब ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया था क्योंकि कई बार ये आ रहा था कि सर आप कोड ब्लॉक्स पे बताते हैं, एक बार टर्बो आईडी पे भी बताइए। तो पहले मैं टर्बो आईडी पे बताता था, तो बाहर के लोग जो देखते थे वो कहते थे कि टर्बो आईडी हमारे यहाँ नहीं यूज होती है, तो आप कोई और आईडी इस्तेमाल कीजिए। तो इसलिए मैंने आपको कोड ब्लॉक्स पे ना बता करके टर्बो आईडी पे बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।